हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पिक्सल लैब में टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। जैसे कि आप कोई भी जैसे टेक्स्ट एडिट करते हैं, तो आज मैं ये बताने वाला हूं कि कोई भी टेक्स्ट है उसमें आपका कोई फ़ोटो है, तो आप फ़ोटो के कलर को, फ़ोटो के कोई पोर्शन आपको लग रहा है कि फ़ोटो का ये पोर्शन का कलर हम टेक्स्ट में ऐड करें तो कैसा लगेगा, तो बिल्कुल बेहतरीन लगेगा। आप किसी फ़ोटो का जो कोई पोर्शन हो, उसका जो कलर हो, उस फ़ोटो के कलर को अपने टेक्स्ट में आप लगा सकते हैं, जिससे आपका जो टेक्स्ट एडिटिंग है और बेहतरीन लगेगा। तो चलिए कैसे करना है इसको देखते हैं। चलिए न्यू टेक्स्ट पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेंसिल वाले साइन पर क्लिक करके कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो चलिए कुछ लिखते हैं। चलिए मैं अपना नाम ही लिखता हूँ, तो इस तरह से। अब यहाँ हम टेक्स्ट एडिट कर रहे हैं, तो ए सिंबल पे टच करेंगे तो हमको टेक्स्ट एडिट करने का बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको फॉन्ट हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। फॉन्ट यहाँ पे जो भी आपको पसंद आए, यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट है, आपको जो अच्छा लगे वो फॉन्ट आप रख सकते हैं। चलिए फॉन्ट रख लेंगे, इसके साइज को बड़ा कर देते हैं। चलिए तो ये है टेक्स्ट मेरा, लगभग यहाँ पे ये है मैंने टेक्स्ट लिखा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये टेक्स्ट का कलर है, इस पर हम कोई फ़ोटो के कलर को यहाँ पे ऐड कर दें, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पे जो है ये टेक्सचर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे हम यहाँ पे जो टेक्सचर है यहाँ पे सेलेक्ट है, नो टेक्सचर सेलेक्टेड, तो यहाँ पे जो गैलरी का सिंबल बना है वहाँ पे हम टच करेंगे और अपने फ़ोन के गैलरी से कोई फ़ोटो लेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे आप कोई फ़ोटो के पोर्शन से कलर यहाँ लगा सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के लिए कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं। चलिए यही फ़ोटो है। अब इसका जो पोर्शन हमको लगाना है अपने फ़ोटो में, इस पोर्शन का कलर, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इतना सा हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर साइन वाले जो सही वाला का साइन है वहाँ पे करके सेलेक्ट करके ऐड कर लें। देखिए यहाँ पे मेरा ऐड हो गया इस तरह से। अब यहाँ टेक्सचर पे आप देख सकते हैं एक चीज़ है कि जो ये स्केल है, इसके मेंटेन रेशियो, इसको आप रेशियो को इनेबल करके इसका रेशियो मेंटेन कर सकते हैं इस तरह से। यानी कि जो पोर्शन आपने फ़ोटो का लगाया है उसका जो है इफेक्ट है कैसा रहे, तो उस मेंटेन रेशियो में आप कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है टेक्स्ट इस तरह से, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम किसी टेक्स्ट में किसी फ़ोटो के कलर को इस तरह से ऐड करते हैं।